होपफुली फाइन होंगे और मैं चैनल की वीडियोस देख रहे होंगे जी। बस इस वीडियो में ऑनलाइन ट्रांसफ़र ओपन हुई है टीचर्स की, तो आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, उसका मेथड क्या है, ये इस वीडियो में आप कंप्लीट देखेंगे और बिल्कुल आसान तरीके से। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ भी आएगी, ख़ुद भी देखें, लाइक कमेंट करने के बाद इसका लिंक दोस्तों को भी लाजमी शेयर करना है। वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि सही आपको समझ आ जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्यूअर्स, आपने अपने मोबाइल से सिज पंजाब जो है जी, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, उसको आपने ओपन करना है जी। व्यूअर्स, जिस तरह आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, इस तरह का कुछ आपके मोबाइल में भी होगा। जब उसको आप ओपन करेंगे तो 5.1.1 वर्जन इसका है अपडेटेड। अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर लें, 5.1.1 जी। जब आप सिज ओपन कर लेंगे तो नेक्स्ट आपको जो विंडो नज़र आएगी, नेक्स्ट व्यूअर्स विंडो कुछ इस तरह की होगी कि ये चार चीज़ें आपके मोबाइल पर नज़र आ रही होंगी। नंबर एक माई प्रोफाइल है, नंबर दो उसके पैरेलल में ट्रांसफ़र, उसके नीचे लीव और उसके बाद क्लासेस एंड सेक्शन। तो ऑब्वियसली आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपने ट्रांसफ़र पर क्लिक करना है जी। ट्रांसफ़र पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की नेक्स्ट विंडो आपको नज़र आएगी कि ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस एंड ऑर्डर्स और नो एप्लीकेशन ये सॉरी न्यू एप्लीकेशन। इसके बाद क्या करना है, आपने न्यू एप्लीकेशन पर जब आप क्लिक करेंगे, क्योंकि आपकी न्यू एप्लीकेशन है, तो फिर इस तरह की विंडो आपको नज़र आएगी, ऑन मेरिट या म्यूचुअल। हम पहले ऑन मेरिट की बात कर लेते हैं कि ऑन मेरिट पर हम कैसे अप्लाई करेंगे जी। आपके मोबाइल सिज पर ओपन होगी, इसमें लिखा हुआ है सबमिशन ऑफ फी ट्रांसफ़र ओपन लास्ट डेट जो है, और आपने टाइप जो है वो सेलेक्ट करनी है, ओपन मेरिट या वेड लॉक या कंपनसेट ग्राउंड्स जी। ओपन मेरिट पर जब आप ओपन मेरिट पर क्लिक करेंगे तो उसके नीचे ऐड प्रेफरेंस आपको नज़र आ रहा होगा, आपने ऐड प्रेफरेंस पर क्लिक करना है जी। जब ऐड प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे तो ये प्रेफरेंस वन है, डिस्ट्रिक्ट हमारा गुजरात है, वो आपका वैसे ही आ रहा होगा उस पर। उसके बाद आपने अपनी जो तहसील है उसको सेलेक्ट करना है, जिस तहसील में आप हैं, मतलब के जिसमें आप हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है, जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं जी। ये देखें, मैंने थोड़ा सा तहसील पर भी काम, इस पर भी काम कर लिया है, एसएस एक बनाया था मैंने, कि जब तहसील आप मेरा डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, उसकी तीन तहसीलें हैं, खारगियां, सराय अलमगीर, गुजरात, तो इसमें से जिस स्कूल में आप काम कर रहे हैं उसको आप सेलेक्ट करेंगे। फ़र्ज़ करो सराय अलमगीर मेरा स्कूल है, मेरी तहसील है, तो मैंने सराय अलमगीर को सेलेक्ट किया था। अब जो मेरी पोस्ट थी उसके रेलेवेंट जितने भी, मतलब कि मेरी पोस्ट हैं जहाँ पर मैं जाना चाहता हूँ, मतलब जा सकता हूँ, वो देखें ग्रीन आई हुई हैं जी। इन स्कूलों में मेरी ट्रांसफ़र हो सकती है ओपन मेरिट पर, और जिन पर नहीं हो सकती ये देखें उसी के साथ ही है, जिन पर नहीं हो सकती उन पे रेड है कि इन स्कूलों में वेकेंट पोस्ट जो है वो इस तरह की अवेलेबल ही नहीं है। इस तरह आपने करना है, अगर आपकी कोई भी किसी स्कूल में अवेलेबल पोस्ट होगी वो ग्रीन होगी, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वेड लॉक में भी आपका आएगा। जब वेड लॉक सेलेक्ट करेंगे तो उसमें चार चीज़ें हैं, वेड लॉक डिसेबिलिटी है ठीक है, या डिवोर्स्ड या विडो, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस वही होगा। ओपन मेरिट पर काम किया था, इसी तरह जब आप म्यूचुअल पर करेंगे
तो म्यूचुअल में भी आप डिस्ट्रिक्ट और तहसील सेलेक्ट करने के बाद आप मतलब आपको वो स्कूल वो नज़र आ जाएंगे ग्रीन कलर के में, जिन पर आप ट्रांसफ़र हो सकते हैं, और जिन पर आपकी ट्रांसफ़र नहीं हो सकती वो रेड कलर के होंगे। डिस्क्रिप्शन पर मेरा मोबाइल नंबर है, अगर आपको कोई मसला हो कमेंट दें, इंशाल्लाह आपका मसला ज़रूर हल होगा। वीडियो को लाइक कमेंट करने के बाद इसका लिंक दोस्तों को भी लाजमी शेयर।